शंखनाद और घंटियों की गूंज से होती सुबह पवित्र गंगा में स्नान करते श्रद्धालु और रात में जगमगाते दीयों की आरती। जी हाँ, ये है उत्तर प्रदेश का पवित्र शहर काशी। जीवनदायिनी माँ गंगा नदी के तट पर बसा भगवान काशी विश्वनाथ का ये शहर प्राचीन मंदिरों, मठों, आश्रमों और रंग बिरंगी बनारसी साड़ियों के लिए मशहूर है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु अपना शीश झुकाने आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने वाराणसी को देश से जोड़ने और श्रद्धालुओं एवं शहरवासियों का सफर आसान बनाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की अनेक महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी। आज इसे वास्तविकता को रूप देते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4,520 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 90 किलोमीटर के दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं देश को लोकार्पित कर रहे हैं। इसमें पहला है NH-29 वाराणसी से गाजीपुर सेक्शन पर 3,509 करोड़ रुपए की लागत से 72 किलोमीटर 4 लेन का चौड़ीकरण कार्य। इससे वाराणसी और गोरखपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित होगी, जिससे प्रयागराज, लखनऊ एवं बिहार तथा नेपाल की तरफ से आने जाने वाले मालवाहक वाहनों का समय बचेगा। और दूसरा, ग्रीन फील्ड परियोजना के अंतर्गत 1,011 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई 17 किलोमीटर लंबी वाराणसी रिंग रोड, जिसके बनने से पहले प्रयागराज, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ इत्यादि स्थानों से आने व जाने वाले वाहनों को वाराणसी शहर से होकर गुजरना पड़ता था। इससे शहर में जाम की समस्या के साथ साथ वाहनों को नो एंट्री के कारण लंबे समय तक रुकना पड़ता था। आज इस रिंग रोड के बनने से NH-2 और NH-56 को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान होगी, जिससे ट्रैफिक जैम से पूर्णतः निजात मिलेगी और एयरपोर्ट पहुंचने में भी आसानी होगी। इन परियोजनाओं से ईंधन की बचत होगी, यातायात में तेजी आएगी, कृषि, व्यापार और तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार का सृजन होगा। लोगों के चेहरों की मुस्कान ये बताती है कि ये खुशहाली और तरक्की का नया उत्तर प्रदेश और नया भारत है।